माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ बोन। अब बोन को अगर हम ऐसे ऊपर से कट करें तो वो हमें किस तरह की उसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, तो ये हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ क्या है, फर्स्ट हमारे पास ऑस्टियो, ये पीछे भी देखा था कि जो कॉम्पैक्ट बोन है उसका जो मेन यूनिट है वो क्या थी, ऑस्टियोन थी। उस ऑस्टियोन को हम यहाँ देख सकते हैं इजीली। ये क्या है, हमारे पास एक बोन है और ये वाली जो इसकी लेयर है ये लाइटिश पिंक कलर में एकदम, ये क्या है, हमारे पास इसकी आउटर कवरिंग है, पेरियोस्टोम है। ठीक, आउटर कवरिंग जो कि फाइबर्स की बनी होती है। इसके अंदर वाली जो लेयर है ये हमारे पास इसकी इनर, दो लेयर होती है इसमें पेरियोस्टोम की, आउटर एंड इनर। ठीक, तो आउटर फाइबर लेयर और इनर फाइबर लेयर हम इनको बोलते थे। अभी यहाँ जो ये आपको ये राउंड राउंड सर्कल्स नजर आ रहे हैं, इस पूरे एक सर्कल को, ये जो यहाँ पे पूरा ब्लैक में ही दिखाया हुआ है, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियन बोलते हैं। और ये इसकी क्या है, यूनिट है बोन की, जो मेनली यूनिट है वो हमारी ऑस्टियन है। ऑस्टियन के अंदर ये बहुत सारी कॉन्सेंट्रिक लेमिली प्रेजेंट होती है। और ये तो ये क्या है, ऑस्टियन को यहाँ पे इसके सेंटर में हमें ये हार्वेशन सिस्टम भी देखने को मिलता है। हेवर्सन सिस्टम क्या है, जिसमें कि हमारे पास ये कैनाल, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, ये कलरफुल में आपको यहाँ पे बोन सॉरी ब्लड वेसल्स दिखा रखी हैं कि यहाँ पे हमारे पास ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है, लिम्फेटिक वेसल प्रेजेंट होती है, नर्व प्रेजेंट होती है। तो ये सारी की सारी जिस एरिया में प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, हेवर्सियन सिस्टम बोलते हैं इस प्रोसेस को। और इस कैनाल को जहाँ पे ये प्रेजेंट होंगी उसे हम हेवर्सियन कैनाल बोल देते हैं। ठीक, तो ये भी बात। और ये क्या होगा, जो ऑस्टियन है उसके सेंटर में प्रेजेंट होती है, यहाँ पे ये कैनाल प्रेजेंट होती है। अब दो कैनाल को इनको जोड़ने के लिए, हेवर्सियन कैनाल को ये दो को जोड़ने के लिए इस तरह से आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वोल्केनियल कैनाल बोलते हैं। ठीक, सेकेंड ये हमारे पास सेंट्रल हार्वेशन कैनाल प्रेजेंट होगी, जो कि इनके सेंटर में, जो भी मैं आपको बताया, जो क्या करेगी, ब्लड को सप्लाई, ब्लड वेसल्स होंगी और नर्व वेसल्स इसमें प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है परफोरेटिंग वॉल नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्कमैन्स कैनाल। वॉल्कमैन्स कैनाल क्या है, ये जो दो हेवर्सन कैनाल को एक दूसरे से कनेक्ट करेगी उसको हम बोल रहे हैं वॉल्कमैन्स कैनाल। ये कैनाल्स क्या होती हैं, जो हमारे पास ये हार्वेशन कैनाल है उसके परपेंडिकुलर होती है बेसिकली। ठीक, तो परपेंडिकुलर टू द सेंट्रल कैनाल होती है ये हमारे पास, और ये भी वही काम करती है, ब्लड वेसल्स और नर्व वेसल को सप्लाई करती है। ये इनका एक और स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हैं, जूम स्ट्रक्चर। तो ये इस तरह से हमने इसको कट किया हुआ है, और यहाँ पे ये पास जो आप देख सकते हैं ये हेवर्सन कैनाल है, और ये वाली जो है हमारे पास वॉल्कमैन कैनाल है, नीचे इसका नेम रह गया है। तो यहाँ पे और ये तार पे फाइबर प्रेजेंट है, जो भी ये पीछे दिखाया था कि ये जो हमारे पास आउटर कवरिंग है पेरियोस्टोमियम की, जहाँ पे हमारे पास फाइबर प्रेजेंट होते हैं। और ये हमारे पास लैमिली, ये जो हमारे पास राउंड 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 स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, इनको हम लैमिली बोलते हैं। अब इसके एक पोर्शन को अगर हम कट करें, उसको जूम आउट करें, तो ये हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, जिसमें ये हमारे पास जो तीन चार लेयर्स आपको ये देखने को मिल रही है, 1 2 3 4, ये हमारे पास क्या है, इसके लैमिली है। और बीच में ये जो यहाँ पे प्लेस रह गया है खाली, इसको हम बोलते हैं लैक्यूना। ठीक, अब ये लैक्यूना क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं कि आगे भी जाके कॉन्टिन्यू कर रहा है, और इनको हम बोलते हैं केनालिकुलस। ठीक, तो यहाँ पे ये इस तरह के स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर में ये एक दूसरे के साथ में ऐसे कंबाइन हो रखी हुई है। इसको हमने क्या किया, एक लैमिली को ये ऐसे बाहर खींच के ये दिखा रखा है इस पोर्शन को, कि इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये हमें ऐसा नजर आएगा। ठीक है, और यहाँ सेंटर में हेवर्सियन कैनाल प्रेजेंट होगी, जो अभी पिछले स्ट्रक्चर में आपको दिखाया, ये यहाँ पे प्रेजेंट होगी। मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा, ये यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, स्पंजी बोन प्रेजेंट है ये इधर। अभी ये क्या होगा, ये तो इसके आउटर कवरिंग है, ठीक है, किसी भी बोन की। अंदर की तरफ क्या होगी, ये हमारे पास स्पंजी बोन प्रेजेंट है, और ये ब्लड जो हमारे पास वेसल्स हैं ये क्या होती हैं, ये आउटर से इनर की साइड पे ऐसे रन करती हैं, और पूरा का पूरा जो इसको ये एक ही तरह से कवर अप करके रखती हैं। ठीक, अब इसके हम देखते हैं कि ये फर्स्ट यहाँ पे हमें माइक्रोस्कोपी एनाटॉमी में, जो मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, ये लैक्यूला है, जो हमारे पास ये दो के बीच का स्पेस होता है। कैविटीज कंटेनिंग ब्लड सेल्स, यहाँ पे भी ये सब कुछ क्या है, ये सब ब्लड सेल्स ही प्रेजेंट है। ठीक, और यहाँ पे क्या होगा, बोन सेल प्रेजेंट होंगी, कौन सी, ऑस्टियोसाइट्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, कॉन्सेंट्रिक रिंग में ये अरेंज हो रखे होंगे, लैमिलियर रिंग अराउंड द
सेंट्रल कैनाल, ये भी मैंने आपको पीछे बताई थी, ये वाली जो रिंग्स है इनको हम क्या बोलते हैं, लैमेली बोलते हैं। और साइट ऑफ द लैक्यूना, जो लैक्यूना है उनको साइट प्रोवाइड कराती है। अब अगर ये रिंग्स नहीं होंगी तो लैक्यूना बीच में गैप नहीं बनेगा, और लैक्यूना कहाँ से आएगा, ठीक है। तो लैक्यूना को ये साइट प्रोवाइड कराती है। कैनालिकुलाई होती है, ये टिनी स्ट्रक्चर्स जो मैंने आपको बताया भी है कि आगे जो पतले पतले से आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, इनको हम कैनालिकुलाई बोलते हैं। टिनी कैनाल्स हैं, डेटेड फ्रॉम सेंट्रल कैनाल टू लेक्यूना। अब ये कहाँ से रन करेंगी, अब यहाँ पे सेंट्रल कैनाल में हमारे पास यहाँ प्रेजेंट था हेवर्सियन कैनाल, जहाँ से कि मेन जो ब्लड या नर्व सप्लाई है वो यहीं से होगी, और यहाँ से क्या होगा, ये ब्लड को यहाँ लेके जाएगी, इधर से इधर, इधर से इधर, और फिर आगे आगे पास ऑन करेगी और बोन के अंदर तक ये इसको पास ऑन करेगी, ठीक। तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराती है, ठीक।